चैनल के सभी अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नित्यानंदिनी, वन ऑफ इट्स काइंड ऑथेंटिक केरला आयुर्वेदिक पंचकर्मा सेंटर इन द्वारका। आयुर्वेदिक डॉक्टर इज आल्सो अवेलेबल फॉर कंसल्टेशन। एक्सपीरियंस द हीलिंग। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां कांग्रेस मुक्त भारत बनाने में लगे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लगातार तारीफ की जा रही है। दरअसल बुधवार को कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक समारोह में प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी तारीफ की और आज वरिष्ठ कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने भी उनके सुर में ही ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शान में कसीदे पड़े। गौर करने वाली बात है कि अभिषेक मनु सिंघवी स्वयं पी चिदम्बरम का केस लड़ रहे हैं। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि काम का मूल्यांकन व्यक्ति के तौर पर नहीं बल्कि मुद्दों को लेकर किया जाना चाहिए। काम हमेशा अच्छा, बुरा और मामूली होता है। एक तरफा विरोध से मोदी को ताकत मिलती है। आज अभिषेक मनु सिंघवी ने ट्वीट कर कहा, मैंने हमेशा कहा है कि मोदी को खलनायक की तरह पेश करना गलत है, सिर्फ इसलिए नहीं कि वह देश के प्रधानमंत्री हैं, बल्कि ऐसा करके एक तरह से विपक्ष उनकी मदद करता है। वाकई उज्ज्वला योजना उनके अच्छे कार्यों में से एक है। इससे पहले कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की सफलता की तारीफ की थी। जयराम ने कहा था कि प्रधानमंत्री का चित्रण गलत तरीके से करना या उन्हें गलत ठहराना सही नहीं है। हाँ, किसी भी मामले में उनकी गतिविधियों को सही या गलत कहा जा सकता है, न कि हमेशा उन्हें खलनायक बताया जाए। बुधवार को एक पुस्तक विमोचन के मौके पर जयराम रमेश ने कहा कि मोदी सरकार का शासन मॉडल पूरी तरह नकारात्मक नहीं है। उनके पुराने काम अच्छे हुए तभी तो जनता ने उन्हें दोबारा चुना और वह वापस सत्ता में आए। उन्होंने यह भी कहा कि उनके काम की सराहना नहीं करना, उन्हें हमेशा गलत कहने से कोई मदद नहीं मिलने वाली है। उल्लेखनीय है कि पूर्व गृह मंत्री व पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम पर सीबीआई द्वारा की गई कार्यवाही के बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी व राहुल गांधी समेत पार्टी के अधिकांश सदस्य जहां केंद्र सरकार को कोसते हुए दिखाई देते हैं, वहीं पार्टी के वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी व जयराम रमेश द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की गई। जब तक हम यह न मान लें कि वह लगातार ऐसे काम कर रहे हैं जिन्हें जनता खासा पसंद कर रही है और जो काम पहले नहीं किए गए हैं, तब तक हम उस व्यक्ति का मुकाबला बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। रमेश ने स्पष्ट किया कि वह किसी भी व्यक्ति से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना या फिर तारीफ करने के लिए बिल्कुल नहीं कह रहे हैं, बल्कि चाहते हैं कि राजनीतिक वर्ग कम से कम उन बातों को माने जो वह शासन में लेकर आए, खासतौर से शासन के अर्थशास्त्र के संदर्भ में। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ने कहा कि मैं आपको बता दूं कि जब शासन के अर्थशास्त्र की बात आती है तो यह पूरी तरह नकारात्मक गाथा नहीं है, शासन की राजनीति पूरी तरह अलग है। रमेश ने आगे कहा कि उनके शासन मॉडल से जिस प्रकार के सामाजिक संबंध सृजित हुए हैं वह पूर्णतः भिन्न है। अपनी बात को साबित करने के लिए रमेश ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का उदाहरण दिया कि वह कैसे प्रधानमंत्री के लिए बेहद सफल साबित हुई। कर्नाटक से राज्यसभा सदस्य ने कहा कि साल 2019 में राजनीतिक विमर्श में हम सभी ने उनकी एक या फिर दो योजनाओं का मजाक उड़ाया है, लेकिन सभी चुनावी अध्ययनों में यह सामने आया है कि पीएमयूजे अकेली ऐसी योजना रही जिसने करोड़ों महिलाओं को मोदी से जोड़ दिया और इस योजना ने उन्हें ऐसा राजनीतिक खिंचाव दिया जो उनके पास 2014 में नहीं था। जयराम रमेश आगे कहते हैं कि पिछले दशक में ऐसा कुछ हुआ जिसने मोदी को 2009 के आम चुनाव में राष्ट्रीय राजनीति में एक मामूली व्यक्ति से एक बड़ा नेता बना दिया और ऐसा नेता जिसने लगातार चुनाव जीते। रमेश ने कहा कि देश की जनता मौजूदा हालात को उनकी मौजूदगी से जोड़कर नहीं देख रही है, अब चाहे सही हो या फिर गलत। रमेश आगे कहते हैं कि हमने अपने पूरे चुनाव अभियान के दौरान किसानों के हालात पर चर्चा की। लोगों ने माना कि किसान संकट में है, किंतु उन्होंने इसके लिए मोदी को जिम्मेदार नहीं ठहराया। ब्रेकिंग न्यूज द्वारका के लिए गुरु। चैनल के सभी अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।